हल्द्वानी के रजिस्ट्रार कार्यालय में गड़बड़ की शिकायत मिलने के बाद कमिश्नर दीपक रावत ने रजिस्ट्रार ऑफिस में छापेमारी की। इस दौरान रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए एक परफॉर्मा बनाकर उसे भरने के निर्देश दिए गए थे और जिसे उन्होंने सब रजिस्ट्रार से दिखाने के लिए कहा। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस की सुरक्षा को लेकर भी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। साथ ही प्राधिकरण द्वारा कई जगहों पर जमीन की खरीद और बिक्री को रोक लगाए जाने के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराए जाने के मामले भी सामने आए हैं, जिस पर उन्होंने गंभीरता से जांच कराने की बात कही है। कहीं पे भी अगर रजिस्ट्री हो रही है प्राधिकरण क्षेत्र में तो खैर लेआउट अप्रूव कराना ही पड़ेगा, और जो प्राधिकरण के बाहर भी है कोई प्लॉटिंग करता है तो मिनिमम फैसिलिटीज तो देनी होंगी। आप ये तो नहीं कर सकते कि प्लॉट बना के बेचें और एक से दूसरा घर चिपका दें, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। और जहाँ पे भी, क्योंकि केवल बेचने से ये पता नहीं चल पाता है कि प्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही, जहाँ पे भी हमें लगता है मौके पे जाके कि हाँ यहाँ पे हल्की फुल्की प्लॉटिंग हो रही है, छोटे प्लॉट्स काट के बेचे जा रहे हैं, तो उसकी हम जांच करते हैं, उनको नोटिसेस भी भेजते हैं और हम रेरा को भी उसकी एक कॉपी यहाँ से भेज देते हैं।